हेलो दोस्तों, बड़ों को प्रणाम, छोटों को नमस्कार। मैं हूँ ठीक, और क्या है आपके समाचार? आशा करता हूँ आप भी होंगे ठीक। और मैं आया हूँ अभी बीरगंज के मार्केट में घूमने। कैसा है यहाँ का मार्केट आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो इस ब्लॉग को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं बीरगंज के मार्केट में, और ये है सब्जी मार्केट। यहाँ दो तरह की मार्केट है, एक ये सब्जी मार्केट है, बहुत पुरानी मार्केट है, और एक है नई मार्केट जो दूसरे तरफ बनी हुई है। तो ये है सब्जी और मिक्स मार्केट है। यहाँ ये मार्केट में हर चीज़ ही मिलता है आपको, सब्जी भी मिलेगा, नॉन वेज वगैरह भी मिलेगा यहाँ। लेकिन सेपरेट सेक्शन है उनके लिए, नॉन वेज का अलग सेक्शन और इसका अलग सेक्शन। अब जैसे ये सेक्शन जो है, यहाँ आपको फल मिलेंगे, और आगे जाने के बाद ये हरी सब्जियों का सेक्शन है। ये पूरा ही सेक्शन हरी सब्जियों का सेक्शन है, यहाँ सारी हरी सब्जियाँ मिलती है। और ये जो है नॉन वेज वगैरह, मछली और जो मीट वगैरह होते हैं, नॉन वेज हर तरीके के नॉन वेज मिलता, सी फूड भी कह सकते हो। और ये सेक्शन जो पूरा है वो ग्रीन हरी सब्जियों का सेक्शन है। ये हर मार्केट ही लगता है, ये ऊपर सेट है, पहले ये नहीं हुआ करता था। हम लोग बचपन में जब आते थे नेपाल में तो ये सेट नहीं था, अब ये नेपाल सरकार ने बनाया, बहुत ग्रोथ किया नेपाल सरकार ने। और ये ही पूरा भी है हरी सब्जियों का सेक्शन, ज़्यादातर यहाँ हरी सब्जी ही है। और इसके उस तरफ अब दूसरे चीज़ों का सेक्शन बटा हुआ। अब ये सेक्शन जो है वो जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट का सेक्शन होता है। आर्ट एंड क्राफ्ट मीन्स कि ये देखिए हांडी, ये सारी हांडियों का सेक्शन है। और ये अभी छठ का टाइम चल रहा है तो दौरा और सुपली वगैरह बिक रहा है यहाँ। अभी चैती छठ हम लोग का होता है, दो तरह के छठ होते हैं, एक होता है आपको चैत का छठ और एक होता है कार्तिक का छठ। तो हमारा मेन होता है कार्तिक का छठ, चैत का छठ हम कम मनाते हैं, कार्तिक का छठ ज़्यादा लोग मनाते हैं। ये छोटा सा ही सेक्शन है, ज़्यादा बड़ा सेक्शन। अभी शाम का टाइम है तो बहुत बिजी चल रहा है। और ये यहाँ ज्वेलरीज और वहाँ पीछे मसालों का भी सेक्शन था, ये यहाँ चूड़ियों और ज्वेलरीज का सेक्शन है। यहाँ मतलब ये मतलब मार्केट का ही पार्ट है, और ये रास्ता होके यहाँ के एक माँ हैं जो बीरगंज के बहुत फेमस हैं, गहवा माँ, उनका वो मंदिर आगे आपको दिखेगा, ये वाला मंदिर उन्हीं का मंदिर है, गहवा माई का मंदिर। वो भी पहले डेवलप नहीं था लेकिन अब बहुत डेवलप हो रखा है उस एरियो को, और बढ़िया ने सरकार ने बनाया बढ़िया से। अभी दो तीन फेस्टिवल साथ में चल रहे हैं तो थोड़ा सा मार्केट में भीड़ ज़्यादा है। नहीं हूँ, मेरा मामा ये मेरे साथ में है। हेलो, हम आ गए यहाँ गहवा माई के मंदिर के पास। अभी देख लो कितना भीड़ लगा हुआ, शाम का टाइम है, और ये बहुत फेमस मंदिर है बीरगंज का। ये मंदिर का पहले ये एरिया बहुत रिजर्व रहता था, लेकिन अब देखिए बहुत बढ़िया मंदिर है।
यहाँ कुछ रंगोलियाँ बन रही है, देखते हैं कैसा बन रहा रंगोली। ये देखिए कल हिंदू का नया साल है ना, हिंदू वाला कैलेंडर कितना कल कितना 2081। हाँ कल हिंदू लोगों का जो हम लोग का हिंदू कैलेंडर है उसके हिसाब से कल नया साल है, तो 2081 कल नया साल चढ़ जाएगा। तो आप लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं जो भी हिंदू वगैरह देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ नेपाल में हिंदू कैलेंडर ही फॉलो होता है, ब्रिटिश कैलेंडर फॉलो नहीं होता। तो यहाँ लोग उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं बहुत बढ़िया से, दोनों को सेलिब्रेट करते हैं, ब्रिटिश को भी और इसको के लिए। ये मंदिर के ये देखिए भव्य मंदिर है ये, और यहाँ बहुत माना जाता है इनको, गहवा माई और माई स्थान भी बोला जाता है। यहाँ डोली यात्रा वगैरह चलता है, अभी जैसे कि चैत का दशहरा भी चल रहा है, और अभी कल परसों मुस्लिम लोगों का भी पर्व बीता है, और अभी कल नया साल भी है, तो बहुत सारे फेस्टिवल्स यहाँ के लिए एक साथ आ रहे हैं। तो ये इसी के लिए ये देखिए रंगोली बन रही है, हिंदू वर्ष 2081 की शुभकामनाएं। तो ये अभी यहाँ गहवा माई, और शायद कोई मेला वगैरह भी लगा हुआ है, तो चलिए आपको मेला दिखाते हैं वहाँ का। ये देखिए मंदिर के सामने ये श्रृंगार की आइटम्स, ये हमारे छठ में लगता है और इसको और कहते हैं, और ये नारियल वगैरह बिकता है। और देखिए कितना बढ़िया से इसको सजा के रखा गया, पहले ये एरिया एंगेज रहता था, बट नई सरकार आई तो इस एरिया को नवनिर्माण करके, मतलब इस एरिया को एज अ पार्ट टाइप सिर्फ मंदिर का प्रॉपर्टी बना के इसको रखा है। यहाँ आप बड़ी गाड़ी नहीं ला सकते, चार चक्का या कोई बाइक वगैरह कुछ नहीं ला सकते, सिर्फ यहाँ फुटपाथ में आप पैदल आइए, पैदल जाइए, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, घूमिए फिरिए, बट आप कोई बड़ी गाड़ी नहीं ला सकते। इसके लिए यहाँ प्रॉपर म्यूनसिपैलिटी के वर्कर्स खटाए जाते हैं, और नेपाल पुलिस भी खटती है बढ़िया से। तो मामा को बोलने के बाद मामा जा रहा है लस्सी पिलाने, यहाँ का लस्सी एवरेज ही है, क्योंकि वहाँ कुछ उतना ये नहीं है, क्योंकि नेपाल का फेवरेट फूड मोमो चाउमीन ये सब है, लस्सी खास उतना बिकता नहीं है, बट हाँ बिकता है, कोई बिकता है। का टाइम है तो बहुत ज़्यादा बिजी ये रोड रहता है, ऐसे दिन में भी बिजी रहता है लेकिन ज़्यादा बिजी नहीं, मेन मार्केट है ये बीरगंज का मेन मार्केट है, यहाँ से आपको सीधे दिखेगा घंटाघर, आगे की तरफ घंटाघर दिखेगा, और इधर से सीधे चले जाइएगा तो आप रक्सौल जा सकते हैं, रक्सौल इंडिया में पड़ता है, तो बॉर्डर पार करके रक्सौल जा सकते हैं। और ये कपड़ों का मार्केट यहाँ चालू हो जाएगा, कपड़े चप्पल जूते और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, मेन मार्केट ही यही है, तो सारा चीज़ यहीं बिकता। रात्रि मेला तो ये कब कब लगता है? लगता है नया साल के टाइम में लगता है, ऐसे ही कोई स्पॉन्सर मिल जाता है तो लगा देता है रात्रि। यानी ये कोई स्पॉन्सर मिला है वो लगाया, और देन ये नॉर्मल पब्लिक के लिए खुला रहा। दोस्तों तो मैं ये रात्रि मेला हुआ ये डेली नहीं लगता, सिर्फ 4-5 दिनों के लिए ही लगा हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था ना, दो तीन फेस्टिवल एक साथ है, हिंदू का छठ है और मुस्लिम लोगों का कल बीता है पर्व, और एक बहुत सारे फेस्टिवल्स एक साथ आ रहे हैं, तो इनकी वजह से ये मार्केट लगा है। और इस मार्केट के नज़ारा मैं आपको भी दिखाता हूँ, देखिए कितना ही ब्यूटीफुल लग रहा ये मार्केट, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ। इतना अभी मतलब एक आकर्षण का केंद्र कह सकते हो आप अभी बीरगंज का, ये डेली नहीं लगता, बस हमारा सौभाग्य है कि हम आए यहाँ और ये मार्केट हमें दिख गया। और देखिए लाइटिंग का इतना बढ़िया, रात के टाइम में बहुत बढ़िया लगता है। कब तक खुला रह रहा है ये आपको? रात को
बारह 9:30 बजे तक रहता है, बस उसके बाद बंद। और आगे जाके घरियरवा पोखरा है, तो हम लोग राइट साइड में, तो शायद स्पॉन्सर भी वही करता है, मैनेज भी वही करता है। नहीं ना ना, जो सब जितना बिजनेसमैन है लोग ना। अच्छा, मतलब ये ऐसा चीज है कि बिजनेसमैन पूरा व्यापारी समुदाय साथ में मिलके इसको लगाता है, और रात्रि मेला देन मतलब आकर्षण का केंद्र है कह सकते हो आप। तो ये अभी यहाँ का कुछ मेला बहुत बढ़िया लग रहा है, ये रास्ता ऐसे ऐसे, मतलब अभी का टाइम अगर मेला नहीं लग रहा था तो रात का सुनसान मार्केट है, ऐसे 7 बजे के बाद बंद हो जाता है, 7-8 बजे के बाद। यहाँ देखिए ये हॉर्स राइडिंग भी आप कर सकते हैं, ये बच्चे हॉर्स राइडिंग वगैरह भी कर सकते हैं, तो उसका भी सुविधा है यहाँ। और यहाँ ऐसे ये फास्ट फूड यही सब बिकता है, कुछ ना कुछ प्रोग्राम में यहाँ बहुत बढ़िया है सिस्टम यहाँ का अभी तो। देखिए ये कुछ टावर सा बना हुआ, आर्टिफिशियल बना हुआ, ये है नहीं परमानेंट रहता नहीं है, बट हाँ बढ़िया एक चीज है, आप कह सकते हो कि हाँ एक देखने वाला केंद्र है। एक घंटा घर सा कुछ ऐसा बनाइए, स्क्रीन वगैरह लगा कर रखे है। और ये यहाँ भी ये पूरा चौक सा है, और ये पूरा चौक भी ये बना हुआ, लाइटिंग का तो बहुत ही मस्त है, लाइटिंग की वजह से ही ये मार्केट चलता है, लाइटिंग की वजह से ही ये पूरा सही चल रहा है। देखिए मामा को कोई दोस्त मिल गया, वो उससे बात कर रहा। ये एक रॉ सा मेरा व्लॉग रह रहा है, क्योंकि माफ़ कीजिएगा, आगे से व्लॉग मेरे अच्छे आएंगे, मैं पूरा बढ़िया बनाने का कोशिश करूँगा, तो इसको सिर्फ आप थोड़ा सपोर्ट कर दो, इसके बाद से मेरे सारे व्लॉग्स अच्छे आएंगे, और मैं कोशिश भी करूँगा कि अच्छे ही बने। ये जैसे तैसे बन गया है जगह का, टायर सबसे फेमस बीरगंज का सबसे फेमस होटल और फोर स्टार ये दयालु लॉज 4-स्टार होटल है, ये बीरगंज का बहुत महंगा होटल है भाई। यहाँ कुछ देखिए प्रोग्राम चल रहा है, शायद एंट्री वगैरह किसी का होने दे, एंट्री हो जाएगा किसी का, एंट्री होगा क्यों नहीं होगा, होना चाहिए, देखो फ्री एंट्री है तो चलिए मैं उधर भी आप लोगों को घुमा ही दूँ। अरे भैया ये देखिए मेले का कुछ आकर्षण, यहाँ देखिए हर चीज हर ये का आइटम मिलेगा आपको। या कुछ प्रोग्राम चल रहा है, कोई बुला रहा मामा, आ जा। अरे भाई 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 यार, कोई अपना अपना प्रोडक्ट लेके आता है यहाँ पे, वो कराता है मतलब ऐड के लिए, दिखाने के लिए, शोकेस करने के लिए, स्ट्रेटजी है क्या। देखिए पूरा मार्केट का एक एम रहता है कि कोई बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को आगे दिखाए लोगों को। अब जैसे ये है, ये अपना दुकान का प्रचार कर रहा है, देखिए आप फर्नीचर प्रिंट, और ये अपना प्रोडक्ट दिखाता है, सारे मार्केट का मतलब मेन मोटिव यही है, मेन मोटिव देखिए हीमा ब्रोम्स, मतलब सब अपना अपना, एंड छोटे छोटे सेलर्स अपने मार्केट दिखाते हैं, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा बूम हो रहा है अभी के टाइम में, तो ये वही हो रहा। और इग्नोर कर दीजिएगा जो पीछे का वो जो गाना चल रहा है वो, ये देखिए कुछ पेड़ पौधे जो भी है इसमें अच्छा ये लाइन इसीलिए लगा हुआ, पुलिस लोग प्रोवाइड कर रहा है फ्री को, लाइन में लगना पड़ेगा, बट इसमें क्या लेडीजों को मिल रहा होगा फिर। देखिए मामा पूछने गया, अब फ्री का आइटम है तो चढ़ेंगे थोड़ी। ये देखिए हमारे नेपाली प्रहरी प्रमोट कर रहे हैं इसको कि आगे की संरक्षण में काम दे, चीजों को नोट करके और आगे जाया जा रहा है। फिर मसाजर मिल रहा भी है, मसाज करता है इनको करवा। देखिए ओमोडा ये यहाँ का लोकल ब्रांड है क्या, पता नहीं बीरगंज का यहाँ लोकल ब्रांड, देखिए लॉन्च कर चल पाया वाला है।
का, तो क्या बात है, बैटरी वाला गाड़ी है, मतलब कि ई व्हीकल है, ई व्हीकल है जो प्रमोट कर रहा है चीजों, मतलब कि मेन ऑन ऑल देखिए ये कोई अपना बाइक प्रमोट कर रहा, कह सकते हो आप एंटरप्रेन्योरशिप मार्केट है ये। देखिए छोटा सा प्रोग्राम भी होगा भाई, निकले थे मामा क्या के लिए, कहाँ कर लो, अरे बात नहीं करूँगा बोला जाता है। मैं निकला था नॉर्मल मार्केट घूमने को, एक बढ़िया प्रोग्राम ने किया पूरा, हल्ला कितना कर रहा है यार। ये नेपाली में कूड़ा का नहीं कर रहा, मतलब बात कर रहे हैं, तो ये अभी कुछ यहाँ का नजर, चिसियाने का अलावा नहीं आता है, चिसियाने का अलावा कुछ नहीं आता है भैया, सीख रहे हैं सब। यही अब कुछ यहाँ का सीन, अब हम जा रहे हैं, अब लास्ट ही ब्लॉग चल रहा है, अब जा रहे हैं कॉफ़ी पियेंगे, कॉफ़ी पी के जाएंगे घर पे।